शाम पाबंदी से टूथब्रश करने के बावजूद भी आपके दांत पीले रहते हैं, आपके दांतों में कैविटी हो जाती है, आपके दांतों में पीलापन नहीं जाता, तो इसके लिए मैं आज एक ज़बरदस्त सी रेमेडी इस लेके आई हूँ। आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स की टूथपेस्ट यूज़ करते हैं फिर भी आपके माउथ से स्मेल नहीं जाती मुँह से, तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट रेमेडी बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है नीम पाउडर। आप फ्रेश नीम लो, उसको सुखा लो, उसके बाद आप उस नीम को पीस लो, या बाजारी नीम के पाउडर भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने डालना है शहद और आधा चम्मच डालना है बेकिंग सोडा। उसके बाद आपने सुबह और शाम रात को सोते वक्त आपने ब्रश कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपके दांत सफ़ेद भी होंगे और आपके दांतों में कोई स्मेल नहीं आएगी और आपके दांत स्ट्रॉन्ग भी होंगे। क्योंकि आपको पता है कि पहले ज़माने में मसवाक की जाती थी और ये मसवाक से ही मिलता जुलता मैंने आपको रेमेडी बना के दिखाई है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू भी दीजिएगा। ठीक है जी, इसको आपने क्या करना है कि 5 मिनट तक ने ब्रश करना है, उसके बाद वॉश